वर्षों पहले रुडियार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। किपलिंग का जन्म भारत में हुआ था और संभव है कि भारत के जंगलों से प्रेरित होकर उन्हें मोगली, बघीरा जैसे पात्र सूझे हों। उनकी लिखी कहानी पर समय की धूल का कोई असर नहीं हुआ है, आज भी यह ताजा लगती है। इंसान का बच्चा मोगली जंगल में भेड़ियों के झुंड के साथ पलता है। बघीरा और रक्षा उसके रक्षक हैं। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते हैं सिवाय शेर खान के। शेर खान ने मोगली के पिता की हत्या की थी और वह मोगली को भी मारना चाहता है, लेकिन सभी जानवरों के मोगली के प्रति प्यार को देखते हुए उसके लिए यह आसान नहीं है। मोगली बड़ा हो गया है और बघीरा का मानना है कि उसे अब इंसानों की बस्ती में लौट जाना चाहिए, जबकि मोगली इसके लिए तैयार नहीं है। अकेले हो यहाँ इतने घने जंगल में, तुम कैसे आए? स्क्रिप्ट एकदम कसी हुई है। फिल्म शुरुआत से ही आपको सब कुछ भुला देती है और जंगल की दुनिया अपने आगोश में ले लेती है। फिल्म को विश्वसनीय बनाता है इसका रियलिस्टिक लुक। इसके लिए फिल्म की तकनीकी टीम बधाई की पात्र है। कहीं भी फिल्म में नकलीपन नहीं लगता है। ऐसा लगता है मानो हम मोगली के साथ जंगल में उछल कूद कर रहे हों। 3D इफेक्ट्स फिल्म के लुक को और बेहतर बनाते हैं। कई ऐसे शॉट्स हैं जो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देंगे। मेरा बच्चा है, इसे बचाना चाहते हो? मैं तुम सबको चबा जाऊंगा। इन दिनों देखने में आया है कि हॉलीवुड फिल्मों में तकनीक फिल्म की कहानी पर भारी हो जाती है, लेकिन द जंगल बुक के निर्देशक जॉन फेवरू ने फिल्म के इमोशन पर तकनीक को हावी नहीं होने दिया है। उन्होंने फिल्म को इस तरह प्रस्तुत किया है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों के अंदर छिपे बच्चे को भी फिल्म गुदगुदाए। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। नील सेठी पहली फ्रेम से ही मोगली नजर आता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने किरदार को अभिनीत किया है। फिल्म के हिंदी वर्जन में ओम पुरी, इरफान खान, नाना पाटेकर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने आवाज दी है और इन्होंने डबिंग इतने उम्दा तरीके से की है कि ये पात्र और अच्छे लगने लगते हैं। शेर खान के रूप में जहां नाना पाटेकर डराते हैं, तो बालू के रूप में इरफान खान हंसाते हैं। किंग लुई के संवाद स्तर से नीचे है। तकनीकी स्तर पर फिल्म लाजवाब है। द जंगल बुक वयस्क भी देखें और अपने साथ बच्चों को भी ले जाएं, वे इस ब्लॉकबस्टर अनुभव को लंबे समय तक याद रखेंगे। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।